Law of reflections. According to the law of reflections, first rule, the angle of incidence is always equal to the angle of reflections. Angle I is equal to the angle R. देखो यहाँ पे मान लो कोई हम एक लाइट सोर्स को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा इंसिडेंट रेज है और रिफ्लेक्टेड रेज इन और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बन रहा है इन इस ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस. इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल पर्टिकुलर एक पॉइंट को मीट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. और ये जो हमारा मिरर है ये इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर. सेकेंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल तीनों के तीनों एक पर्टिकुलर एक ही प्लेन में लाइज करते हैं, एक ही प्लेन में वो मीट करते हैं. अब एग्जाम्पल से समझ लगते हैं, जैसे प्लेन का मतलब क्या हो गया, मान लो सपोज इट एक प्लेन भी है तो यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट एंगल ऐसे आएगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, करेक्ट, और यहाँ पे ये जो हमारा होगा ये नॉर्मल होगा. तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, आई, और इसी को क्या बोलते हैं, आर. तो ये आई और आर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. हमारे कहने का मतलब क्या होता है कि प्लेन सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक इंसिडेंट रेस प्लेन ए पे गिर रही है और रिफ्लेक्टेड रेस प्लेन बी पे आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसी तरह से जैसे प्लेन ए की बात करें तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बनाएंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल हो जाएगा. इसी को आई बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं, करेक्ट. अब हम इस चीज को मतलब इस थ्योरी को हम प्रैक्टिकली थ्रू समझेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि किस तरह से हमारा एंगल बन रहा है और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बन रहा है और इंसिडेंट एंगल कैसे इक्वल हो रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल मेथड. हेलो दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को प्रैक्टिकली थ्रू समझेंगे, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज को, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. लाइट को हम बंद कर देते हैं जिससे पाथ अच्छे से नजर आए, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे और इसको हम रिफ्लेक्शंस एंगल बोलेंगे, ठीक है. और यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं एक नॉर्मल है. तो जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्शंस एंगल क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है. अब हम इंसिडेंट एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल भी वैसे ही डिक्रीज हो रहा है. तो फर्स्ट लॉ हो गया. और इसी तरह से सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो भी हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये सेम प्लेन में होता है. इसी तरह के प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए.